लोकसभा चुनावों के बीचों बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर एक ऐसा कांड हो गया जो न सिर्फ केजरीवाल बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन के लिए भारी पड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की। स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के घर के भीतर बुरी तरह से मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है और वो भी केजरीवाल के पीए पर। आरोप है कि स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के पीए ने इतनी बुरी तरह से मारा कि वारदात के चार दिन बाद भी वो सही तरीके से चल नहीं पा रही। स्वाति मालीवाल के मेडिकल में खुलासा हुआ है कि उन्हें गंभीर चोट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वाति मालीवाल का गुरुवार को मेडिकल टेस्ट करवाया गया जिसमें उनके चेहरे पर अंदरूनी चोट की बात सामने आई है। मेडिकल टेस्ट तकरीबन 3 घंटे तक चला। स्वाति मालीवाल का एक्सरे कराने के साथ ही सीटी स्कैन भी कराया गया। जांच में ही उनके चेहरे पर चोट की बात सामने आई है। मेडिकल रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है लेकिन MLC में स्वाति के चेहरे पर अंदरूनी चोट की बात सामने आई। स्वाति मालीवाल ने इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बाकायदा पुलिस में FIR दर्ज करवाई है और इस FIR के आधार पर जो सामने आया है वो हैरान करने वाला है। FIR में स्वाति मालीवाल ने बताया कि 13 मई को सुबह 9:10 पर मैं CM केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी। CM केजरीवाल घर पर मौजूद थे। जब मैं ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी तो विभव कुमार आया और गालियां देने लगा। विभव ने बिना उकसावे के कई थप्पड़ मारे। मैंने शोर मचाया और कहा कि मुझे छोड़ दो, जाने दो। विभव लगातार मारता रहा और गंदी गंदी गालियां देता रहा। विभव धमकियां देता रहा कि देख लेंगे, निपटा देंगे। विभव ने छाती पर मारा, चेहरे पर मारा, पेट पर मारा, शरीर के निचले हिस्से पर मारा। मैंने कहा कि बहुत दर्द में हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं भागकर बाहर आई। बाहर आकर मैंने पुलिस को फ़ोन किया। दिल्ली के सिविल लाइन थाने में पुलिस ने IPC की धारा 354 यानी छेड़छाड़, 506 यानी जान से मारने की धमकी देना, 509 यानी अभद्र कमेंट करना, 323 यानी मारपीट के तहत FIR दर्ज की है। लेकिन इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी अरविंद केजरीवाल इस मामले में बोलने तक को तैयार नहीं है। वो अपनी ही पार्टी की महिला सांसद के साथ उन्हीं के घर पर हुई बदसलूकी और मारपीट के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। गुरुवार को लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब केजरीवाल से स्वाति मालीवाल के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने माइक सरका दिया। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आप क्यों जी आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक? अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी आज आपके साथ भी है, आज आपके साथ में भी आए हैं। भाजपा ही किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपा ही किसी के सगे नहीं है और भाजपा ही झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ एक सेकंड बोल रहा हूँ। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ, प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपसे आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इसको, इस पर राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जिस विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप लगा, केजरीवाल उसके साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा उसके बाद से विभव कुमार लापता है। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही है लेकिन अरविंद केजरीवाल की चुप्पी ने विरोधियों को हमला करने का बड़ा मौका दे दिया। आखिर अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को लेकर इतने खामोश क्यों हैं? कौन है ये विभव कुमार जिसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वो केजरीवाल के घर पर ही केजरीवाल की खास स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने लगा? आम आदमी पार्टी पहले इसे टालती रही लेकिन जब मामला बढ़ता गया तो संजय सिंह ने मीडिया के सामने इसे स्वीकार किया। कल
एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। अब आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि विभव कुमार आखिर है कौन। विभव कुमार केजरीवाल के पीए थे जिन्हें अब भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया जा चुका है। विभव कुमार को केजरीवाल का राइट हैंड माना जाता है और वो केजरीवाल के बहुत करीबी हैं। 2011 में जब केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तब विभव कुमार और केजरीवाल की जान पहचान हुई थी। विभव कुमार इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम के एनजीओ में वीडियो एडिट किया करते थे। विभव कुमार बिहार के सासाराम के रहने वाले हैं और 2015 में केजरीवाल ने उन्हें अपना पीए नियुक्त किया था। विभव कुमार केजरीवाल के बेहद खास व्यक्ति माने जाते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनसे सिर्फ 6 लोग ही मिल सकते थे, उनमें एक विभव कुमार भी शामिल थे। विरोधी कह रहे हैं कि विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के राजदार हैं और ये हो ही नहीं सकता कि केजरीवाल की जानकारी के बिना केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह से मारपीट की जाए और केजरीवाल को पता ही ना हो। तो क्या केजरीवाल ने ही स्वाति मालीवाल को पिटवाया है? क्या केजरीवाल भी स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट में शामिल थे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब पूरे देश को मिलना चाहिए, क्योंकि मामला एक महिला सांसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हाई प्रोफाइल मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल से केजरीवाल के घर में कौन कौन मिला उन सब के बयान दर्ज करने की तैयारी में है। इसके अलावा विभव कुमार कहां हो सकता है इसका भी पता लगाया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि विभव कुमार लखनऊ से सीधा पंजाब भाग गया और फिलहाल वो अमृतसर में है। पुलिस की करीब 10 टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हैं, जिसमें 4 टीम विभव के लोकेशन का पता लगा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक देर रात स्वाति मालीवाल की काउंसलिंग भी की गई है। वारदात 13 मई को हुई थी, लेकिन स्वाति मालीवाल तब से गायब थी और कहीं भी सामने नहीं आ रही थी। 13 मई को वारदात के बाद उन्होंने फ़ोन किया था दिल्ली पुलिस को और वो थाने भी गई थी, लेकिन बिना शिकायत लिखाए ही वो चली गई थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या स्वाति मालीवाल के ऊपर किसी तरह का दबाव है? क्या स्वाति मालीवाल को धमकाया जा रहा है? इसका अंदेशा स्वाति मालीवाल के ट्वीट से भी हो जाता है। स्वाति ने ट्विटर पर लिखा, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्यवाही होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल ज़रूरी नहीं है, देश के मुद्दे ज़रूरी हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस घटना पर राजनीति न करें। स्वाति मालीवाल ने बता दिया कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ और उनके सामने ना आने के पीछे कहीं ना कहीं दबाव ही एक वजह है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की भूमिका बेहद संदिग्ध हो जाती है।
सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करवाई और इसकी क्या वजह थी अगर ऐसा हुआ, और अगर नहीं तो वो अपने एक्स पीए के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे, उसे क्यों बचा रहे हैं। केजरीवाल बोले या ना बोले, लेकिन प्रमुख सियासी हस्तियां स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी स्वाति मालीवाल के साथ हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया दी है। बैनर्जी ने ट्विटर पर लिखा, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व उत्पीड़न के साथ ही किसी भी नेता द्वारा अन्य कोई भी गलत कार्य करने पर सख्त कार्रवाई के मामले में चाहे कोई भी पार्टियां इंडी व अन्य गठबंधन हो तो इन्हें दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए, अर्थात इन्हें बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व से जरूर सबक लेना चाहिए। अतः आप पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद के साथ सीएम आवास में अभद्रता के गंभीर मामले पर देश की नजर तथा दोषी के विरुद्ध अब तक कार्रवाई नहीं होना अनुचित है। ऐसे में राज्यसभा के सभापति व महिला आयोग को भी इस घटना का समुचित संज्ञान लेने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी स्वाति मालीवाल का हौसला बढ़ाया, उन्होंने कहा कि वो स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी है। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है, केजरीवाल को घेरने के लिए बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, केजरीवाल से गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन ना केजरीवाल जवाब दे रहे हैं और ना ही इंडिया गठबंधन वालों से कोई जवाब देते बन रहा है। कुल मिलाकर महिला सुरक्षा का ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बन गया है और बीच चुनाव केजरीवाल ने बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा हथियार दे दिया। हाँ, स्वाति मालीवाल जी ने आखिरकार दिल्ली पुलिस को, जो उनके साथ मारपीट मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के निवास पर हुई, उसकी कंप्लेंट दी। लेकिन हैरानगी की बात है, अरविंद केजरीवाल जी जो औरतों के सम्मान की बात करते हैं, किस कदर बेशर्मी है उनके चेहरे पर कि अभी भी उस बेबब कुमार को, जो उनका पीए है जिसने स्वाति मालीवाल जी के साथ मारपिटाई की, उनको बुरी तरह से पीटा और सुनीता केजरीवाल जी के कहने पर पीटा, ऐसे वैभव कुमार को अभी भी अरविंद केजरीवाल जी अपने साथ लिए घूम रहे हैं। लखनऊ में भी वो वैभव कुमार उनके साथ थे और पंजाब में भी। आप अब समझ सकते हैं दिल्ली के लोग या अरविंद केजरीवाल सत्ता के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। दिल्ली पुलिस 3 घंटे लगाकर स्वाति मालीवाल जी उनको अपनी कंप्लेंट दे रही हैं और जो उसमें अंदर मुख्य अक्यूज है वैभव कुमार, वो अरविंद केजरीवाल जी का चहेता बन के उनके साथ घूम रहा है, क्योंकि वैभव कुमार अरविंद केजरीवाल जी का राजदार है, शराब घोटाले का राजदार है। और मैं यह भी अब मांग करेंगे हम लोग, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने स्वाति मालीवाल जी को पिटवाया है, ऐसे में उनका ये दूसरा ऑफेंस है और सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए इसको, और सुप्रीम कोर्ट को उनकी जमानत रद्द का जो है वो चुनाव तक भी रद्द करनी चाहिए। ऐसे अक्यूज का जो बार बार ऐसा क्राइम कर रहा हो वो बाहर नहीं खुला घूमना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसका जरूर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे में जरूरी है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, स्वाति मालीवाल को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और अरविंद केजरीवाल को सभी सवालों का जवाब भी देना चाहिए, वरना चुनाव में केजरीवाल और इंडिया अलायंस को लेने के देने पड़ जाएंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YesB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।